अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खरीद होंगे। MGT501 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2022 का ये सोल्यूशन है। इसके अंदर बेसिकली आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है, उस सिनेरियो के अगेंस्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का आपने एक अच्छा सा रिलेवेंट सा आंसर बताना है। सबसे पहले आपको एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो में वो क्या कहता है कि हमारे पास एक वर्क डाइवर्सिटी है। उस वर्क डाइवर्सिटी में डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, वो डिफरेंट कल्चर से हैं, डिफरेंट हेरिटेज से हैं, डिफरेंट जेंडर के हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और अब बीइंग एचआर मैनेजर, जो क्वेश्चन है कि एज एन एचआर मैनेजर हाउ विल यू डील विद एम्प्लॉयज फ्रॉम अ डाइवर्स वर्क ग्रुप टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब ये कि एज एचआर मैनेजर आप किस तरह डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एजेस और डिफरेंट एक्सपीरियंस प्लस डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोगों को डील करेंगे और उनसे आप एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करेंगे, आपने इसका जवाब देना है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खसूसियात हैं वो आपने बतानी है कि आप किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं, किसी भी किस्म का आपके पास एम्प्लॉय हो, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी एज का, किसी भी एक्सपीरियंस का, किसी भी पर्सनैलिटी का आपके पास एम्प्लॉय हो और आप उसको इजीली डील कर सकते हैं और उससे जो आपका डिजायर रिजल्ट आप जो चाहते हैं वो आप उससे अचीव कर सकते हैं। बेसिकली इस असाइनमेंट का जो सद्देबाब है, जो क्वेश्चन है वो ये है। तो हम इसका जो सोल्यूशन है वो देखते हैं कि देखें सबसे पहले सोल्यूशन में क्या होगा कि जो हमारे पास लीडर होगा या जो एचआर मैनेजर जो आज मैं आप होंगे, जो मिसाल एचआर मैनेजर हैं आप, तो आप उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे। क्या करोगे? डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे। देन आप उनको एक टीम वर्क में क्या करोगे, उनको एक टीम बनाओगे, उनको टीम वर्क असाइन करोगे कि आप सब ने मिलकर ये गोल अचीव करना है, ठीक है। फिर लीडरशिप इज अलाइंड विद गोल्स, और जो लीडरशिप होती है वो अलाइंड होती है गोल के साथ। तो उसमें क्या करना है कि आप एक लीडर हो गए तो आपने एक गोल सेट किया होगा और उन सारों को अपने साथ लेकर चलोगे उस गोल को अचीव करने के लिए। ये नहीं होगा कि कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये नहीं होगा। आप जस्ट और जस्ट फोकस करोगे अपने गोल पर और आप सब लोगों को साथ लेकर चलोगे कि हम सब ने एक गोल अचीव करना है और वो जो गोल होगा जो फलां होगा या ढिमका होगा। देन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सेट राइट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने जो सही रूल्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मतलब एक तो आपने अच्छे रूल्स बनाने हैं जिससे जो आपका एम्प्लॉय है वो तंग ना हो, फिर आपने राइट पर्सन के लिए एक राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने चूज करनी है कि ये जो बंदा है वो क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मतलब एक सोचने और समझने वाला जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको ये समझ आ रहा होता है कि फलां बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेगा और फलां बंदा फलां रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। फिर कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट बेस फ्री रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस। आपने बेस फ्री रिकॉर्डिंग आपने जो प्रैक्टिस हैं वो करनी है, लाइक ब्लाइंड इंटरव्यूइंग, यूज डाइवर्सिटी फ्रेंडली जॉब डिस्क्रिप्शन, यूज द सेम इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर एवरी कैंडिडेट। आपने यूज डाइवर्सिटी सोर्सिंग चैनल्स टू प्रिपेयर ए रोबोस्ट पाइपलाइन, हैव मोर मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन इन यूर हायरिंग टीम। तो ये आपका जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है ये आप अपने देख लेना है। रिपीट आपने छापा यहाँ से बिल्कुल नहीं मारना और आपने यहाँ से जस्ट एक आईडी लेना है और उस आईडी की मदद से आपका जो असाइनमेंट है आपने वो सॉल्व आउट करनी है। आई रिपीट, आपने छापा नहीं मारना, चीज़ों को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, आंसर को समझना है, देन आपने उसका आंसर लिखना है। होप सो आपको ये सोचना समझ होगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो कोई गुरु नीचे कमेंट कर दें, हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप हमसे आप रब्ता कर सकें। हाँ, अगर किसी को ये सोल्यूशन फाइल चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।